हाय एवरीवन, आज हम व्हाट इफ सीरीज के सीजन 1 के एपिसोड 7 को एक्सप्लेन करेंगे। एपिसोड की शुरुआत में हम जेन और डार्सी को देखते हैं, जिनके डिवाइस में अचानक ही रीडिंग्स आने लगती है। तो डार्सी इसे देखने के लिए जेन को जगाती है। फिर जेन शील्ड इनको कॉल करती है कि अर्थ पर एलियंस का अटैक हो रहा है, पर वे उसकी बातें सुने बिना ही काट देते हैं। फिर हम उस चीज को देखते हैं जो कि बैफ्रॉस्ट होता है और लास वेगास में पार्टी चल रही होती है, वहां आके गिरता है, जिसमें से थॉर और उसके साथी आते हैं। उसे देख के पहले तो सभी लोग डरने लगते हैं, फिर थॉर उनसे कहता है आप सभी तैयार हो जाओ पार्टी प्रिंस के लिए। फिर वहां के लोग और वे सभी मिलके पार्टी करने लग जाते हैं। इसके बाद वॉचर कहता है लड़ाई हारने या जीतने के अलावा रिश्ते एक हीरो को बनाते हैं, वो लोग उन्हें और उनकी जिंदगी को रास्ता देते हैं। थॉर और लोकी का मजबूत रिश्ता जिससे एक यूनिवर्स की नियति बदल दे। उनके बचपन में थॉर लोकी के साथ रह के बहुत कुछ सीखा, पर इस यूनिवर्स में ओडिन ने लोकी को अपने बेटे की तरह बड़ा करने की बजाय उनके लोगों को वापस कर दिया और थॉर लोकी की शरारतों के बिना एक अलग ही राजकुमार बन गया। फिर हम ओडिन को देखते हैं जिसके पास थॉर और फ्रेगा होती है और वो ओडिन स्लिप में जा रहा होता है। इसके बाद ओडिन सो जाता है तो फ्रेगा वहां से अपने बहन के घर जाने के लिए निकल जाती है। चलते हुए थॉर से कहती है ये तुम्हारा पहला अनुभव होगा राजा जैसा, इसलिए तुम 9 रियल्म्स के बारे में जानो जिन पर तुम राज करोगे, और थॉर को पार्टी करने के लिए बिल्कुल मना करती है। फिर उससे कहती है एमडाल की तुम पर नजर रहेगी, जिसके बाद फ्रेगा वहां से बायफ्रॉस्ट से चली जाती है। फिर हम थॉर को देखते हैं जो कि अपने दोस्तों के साथ होता है और उनसे कहता है मेरे पिता ने सदियों से एस्गार्ड पे राज किया है, उन्होंने कर्तव्य जिम्मेदारी जो भी किया है पर मैं उनकी तरह नहीं बनूंगा। जिस पे उसका साथी बोलता है एमडाल सब देख रहा है, अगर हमने कुछ भी किया तो वो फ्रेगा को बता देगा। तो थॉर ने ड्रिंक देते हुए कहता है हम सबसे पिछड़े हुए प्लेनेट मिडगार्ड पर जा रहे हैं, जिस पर एमडाल भी ध्यान नहीं देता। फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं जहां थॉर पार्टी कर रहा होता है और उसकी पार्टी में और भी बहुत सारे लोग आ जाते हैं। फिर हम जेन और डार्सी को देखते हैं जो भी वहीं होती है, जिससे डार्सी कह रही होती है हम इसके लिए तो तैयार नहीं हुए थे। तो जेन अपने पैर से उसका पता लगा लेती है जो सबसे पहले आया था, जो कि थॉर होता है, और उसे देख के जेन उससे बात करने का डिसाइड करती है और कहती है मैं पहली हूँ जो एक एलियन से बात करने वाली हूँ। जिस पर डार्सी उससे कहती है तुमसे पहले आधा क्लब उससे बात कर चुका है। फिर हम थॉर को देखते हैं जो कि स्कल से बात कर रहा होता है, तभी वहां उससे मिलने के लिए जेन आ जाती है। इसके बाद थॉर और जेन आपस में एक दूसरे को अपना नाम बताते हैं। फिर जेन थॉर से कहते हैं 18 महीने पहले अल्फा स्टार मर गया, उस समय जो कुछ हुआ था वो आज भी हुआ है, और उससे पूछते हैं क्या वो तुम थे, जिस पे थॉर कहता है अल्फा स्टार पे हमने पार्टी करी थी। फिर जेन उसे पैर दिखाते हुए कहती है तुमने एक प्लेनेट को खत्म कर दिया, तो थॉर उसे उसका पैर ले लेता है और कहता है ये तो जादू है, इस चीज को बनाने के लिए एस्गार्ड की पूरी टीम लगेगी। फिर जेन से कहता है तुम तो एक जीनियस हो, ये सुन के जेन भी थोड़ा शर्माने लगती है। फिर थॉर उसकी आंखों की तारीफ करने लग जाता है। फिर हम डक को देखते हैं जो कि डार्सी को अपने साथ खाने पर ले जाता है, तो डार्सी उसके साथ जाते हुए कहती है ये डेट नहीं है। इसके बाद हम ग्रैंड मास्टर को देखते हैं जो कि म्यूजिक बजा रहा होता है, और थॉर जेन ये सब मिलके वहाँ पार्टी कर रहे होते हैं, जिनके साथ नेबुला और कॉर्ग भी होते हैं। इसके बाद थॉर और जेन मिलके अपने हाथों पर टैटू बनवा लेते हैं, जिसमें थॉर साइंस का बनाता है और जेन म्यूनिर का बनवाती है। फिर अगली सुबह थॉर एक कमरे में पड़ा होता है जिसमें उसके साथ सेफ और फेंड्रिल भी होते हैं, और ये रूम जेन का होता है जिसमें वो सो रही होती है। फिर जेन के दोनों फोन बजने लगते हैं जिससे उसकी नींद खुल जाती है। इसके बाद उसका दरवाजा भी बजने लगता है। फिर जेन दरवाजा खोल के देखती है तो वे क्रॉसवर्ड्स और एजेंट हिल होते हैं, जहाँ एजेंट हिल जेन से कहती है तुम पहली थी जिसने इस थ्रेट के बारे में हमें जानकारी दी, तो आप इसमें हमारी मदद करोगे, जिसपे जेन उससे कहती है क्या आप उसे सच में थ्रेट कहोगी। फिर एजेंट हिल उसे बताती है कि कल क्या हुआ, जहाँ निक फ्यूरी थॉर से बात करने के लिए जा रहा होता है तो उसे गार्ड्स रोक लेते हैं, तभी कौर भगता हुआ आता है जिससे निक फ्यूरी टकरा जाता है। इसके बाद एजेंट हिल जेन को बताती है कि निक फ्यूरी 9 घंटे से बेहोश है, और जेन के रूम के अंदर से आवाजें आने लगती है तो वो इसके बारे में पूछती है, तो इस पर जेन बहाना बना देती है। फिर एजेंट हिल जेन को अपने साथ हेलीकैरियर में ले आती है, जहां वो उसने कोई नोट छोड़ा। फिर वहां क्रॉसवर्ड से एक पेटी लेके को ऑन करके कैप्टन मार्वल को बुला लेती है। फिर हम थॉर को देखते हैं जो कि फोटो खिंचा रहा होता है, जिसके बाद वहां से मिलने के लिए लोकी आ जाता है और दोनों आपस में हाथ मिलाते हैं, और लोकी उससे कहता है तुम मेरे ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर हो, जिसके बाद दोनों साथ मिलके ब्रदर्स फॉरएवर बोलते हैं। फिर थॉर लोकी को एक टूटता हुआ तारा दिखाता है और उसे कहता है तुम जल्दी से अपनी विश मांगो, तो लोकी इसके लिए सोचने लगता है। फिर हम देखते हैं कि वो कैप्टन मार्वल होती है, जो कि थॉर के पास आ जाती है और उनसे कहती है तुम्हारी पार्टी काफी अच्छी है, जिसपे थॉर कहता है मैंने सोचा था आइस ब्रोस जरूर आएंगे, लेकिन या तो लोकी खुद आ गया। फिर कैप्टन मार्वल उससे कहती है तुम ये सब साफ करो और यहाँ से निकलो, तो थॉर उसकी बातें नहीं मानता और कहता है तुम ही यहाँ से क्यों नहीं चली जाती। फिर कैप्टन मार्वल उसे एक मुक्का रख देती है और उससे कहती है मैं पूछ नहीं रही, जिसके बाद थॉर उसे कहता है तुम जैसी लड़कियों के लिए एक मिडगार्डियन वर्ड है पार्टी पुपर, तो कैप्टन मार्वल उसे फिर से जोर का मुक्का रख देती है और बोली रही होती है, तभी थॉर से म्यूनियर से मारता है,
जिसके बाद थॉर वहां जाता है और उस पर म्यूनियर फेंक के मारता है। कैप्टन मार्वल उसे बच जाती है लेकिन म्यूनियर वापस आके उसे मारता है। फिर थॉर म्यूनियर को घुमाने लग जाता है जिसे कि कैप्टन मार्वल रुकने को बोल रही होती है। इसके बाद थॉर अपने हैमर से उसे मार के वहां से भगा देता है जिससे कैप्टन मार्वल एक दूसरी जगह पर जाके गिरती है जहां पत्थर होते हैं और उसे ठीक कर रही होती है। तभी वहां थॉर भी आ जाता है जिससे कैप्टन मार्वल उन्हें गिराने से मना कर रही होती है पर थॉर उसकी नहीं सुनता और उन सभी को गिरा देता है। फिर कैप्टन मार्वल को चढ़ाते हुए कहता है तुम्हारा अजीब पत्थर गिर गया तो कैप्टन मार्वल गुस्से में उसे जोर का मुक्का रख देती है जिससे थॉर बहुत दूर एक रेगिस्तान में जाके गिरता है जहाँ उसके पास कैप्टन मार्वल भी आ जाती है और दोनों आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं जहाँ कैप्टन मार्वल थॉर पर जमा जमा के मुक्के रखती है। फिर थॉर अपनी बिजली से उस पर हमला करता है पर कैप्टन मार्वल को उससे कुछ नहीं होता जिसके बाद कैप्टन मार्वल उसे जमा के मुक्का रख देती है और उसके बालों को पकड़ के वहां से फेंक देती है तो उसका म्यूनियर भी उसके पास चला जाता है जिसके बाद कैप्टन मार्वल और थॉर आसमान में लड़ते रहते हैं और फिर अपनी पार्टी की जगह पर आके गिरते हैं जहाँ थॉर अपना म्यूनियर कैप्टन मार्वल के ऊपर रख देता है। फिर उससे कहता है मेरी मॉम मुझे टाइम आउट से पनिशमेंट देती थी पर ये मुझ पर कभी काम नहीं किया लेकिन शायद तुम पर कर जाए। फिर उसे बे सभी पार्टी के ऊपर गेके बुलाते हैं जिसके बाद कैप्टन मार्वल एजेंट हिल के पास आ जाती है जहाँ एजेंट हिल उससे कहते हैं फ्यूरी ने कहा था तुम बेस्ट हो तुम्हारा मुक्का न्यूक्लियर बम के बराबर है और डार्सी कैप्टन मार्वल से बातें करने लगती है। फिर कैप्टन मार्वल कहती है अगर मैंने पूरी ताकत इस्तेमाल करी तो पूरा प्लेनेट तबाह हो जाएगा और उस पागल के लिए लोगों की जिंदगी को खतरे में डालना सही नहीं है। फिर हम जेन को देखते हैं जिसे कि थॉर का कॉल आ जाता है जो कि उसे कह रहा होता है कि हम फिर कब मिलेंगे तुम सबसे अच्छी मिडगार्डियन वुमन हो जिससे मैं अब तक मिला हूं। तो जेन उससे पूछती है तुम अब तक कितनी लड़कियों से मिले हो जिसपे थॉर उसे बताता है दो पर दूसरी वाली ने आज मुझे बहुत पीटा। इसके बाद जेन उससे पूछती है तुम सच बताना तुमने अल्फा स्टार पे पार्टी करी थी तो उसे तबाह तो नहीं किया जिसपे थॉर उससे कहता है मैंने उसे तबाह नहीं किया। फिर हम देखते हैं कि थॉर और जेन आपस में एक दूसरे को पसंद करने लग जाते हैं। वे बात कर रहे होते हैं तभी एजेंट हेल जेन को बुलाती है जहाँ डार्सी कैप्टन मार्वल से कह रही होती है तुमने साउथ डकोटा को उड़ा दिया तो किसी को पता भी नहीं चलेगा जिसपे एजेंट हेल भी कहती है आइडिया बुरा नहीं है। इसके लिए कैप्टन मार्वल भी मान जाती है और कहती है मैं उसे साइबेरिया ले जाके बूम कर दूंगी पर ये सब करने के लिए जेन उनसे मना करती है जिसपे एजेंट हेल उससे कहती है तुम्हारी एक्सपर्टीज के लिए शुक्रिया जिसके बाद वे उन दोनों को नीचे छोड़ देती है। फिर जेन थॉर को कॉल करती है जिसे कि लोकी उठाता है और थॉर वहाँ बैठा हुआ डिनर कर रहा होता है। इसके बाद जेन लोकी से थॉर को फोन देने को बोलती है पर लोकी से फोन गिर जाता है और वो टूट जाता है। इससे जेन गुस्सा करने लगती है तो डार्सी उससे कहती है अच्छा होता हम उसकी मोम को कॉल कर पाते हमेशा ऐसा ही होता है टीनएजर्स पार्टी करते हैं पार्टी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। इससे जेन को आइडिया जाता है और कहती है थॉर है लोकी है तो ओडिन भी होगा फ्रेगा भी होगी और एमडाल भी होगा। फिर हम प्रोसजाइंट और सटर को देखते हैं जो कि इधर उधर जाके चीजों को बिगाड़ने लग जाते हैं और सभी मिलके पुल के ऊपर पार्टी कर रहे होते हैं जहाँ थॉर सभी को बताता है कि मैं उस घर पर कैसे कूदूंगा। फिर उसके ऊपर गिर रहा होता है तभी कैप्टन मार्वल उसे उड़ा के ले जाती है। इसके अगले सीन में हम डार्सी और जेन को देखते हैं जो कि अपनी बैन में सभी वायर्स को लगा के टेप से फ्रिक्वेंसी को सेट कर देती है और फिर ऊपर जाके जेन हेमडाल को आवाज लगाती है। इसके बाद डार्सी उसे चेक कर रही होती है तभी जेन वाइफ से वहां से चली जाती है। फिर हम कैप्टन मार्वल को देखते हैं जो कि थॉर को साउथ डकोटा में फेंक देती है और दूसरी ओर जेन हेमडाल के पास चली जाती है जहां वो थॉर के बारे में बता रही होती है तभी हेमडाल उसे बाइफ्रोस्ट से भेज देता है। इसके बाद हम थॉर को देखते हैं जो कि कैप्टन मार्वल से कहता है ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है मैं नीचे गिर गया। फिर एजेंट हेल न्यूक्लियर को तैयार करवाती है जिसपे पिलकुलसन कहता है मुझे लगा कि वही न्यूक्लियर है। रिप्लाई में एजेंट हेल कहती है अगर किसी ने उसका ध्यान भटका दिया तो। फिर हम जेन को देखते हैं जो कि फ्रेगा के पास पहुंच जाती है और उन्हें थॉर के बारे में बताती है। फिर हम थॉर को देखते हैं जो कि कैप्टन मार्वल से कहता है तुम पार्टी बर्बाद क्यों कर रही हो तुम भी मजे करो आराम करो थोड़ा बहुत। जिसपे कैप्टन मार्वल कहती है मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी चेतावनी वरा मुक्का मारा था। फिर न्यूक्लियर मिसाइल को छोड़ने के लिए एजेंट हिल भी तैयार होती है और थॉर कैप्टन मार्वल से लड़ने के लिए तैयार होता है। फिर हम जेन को देखते हैं जो कि फ्रेगा को बताती है कि थॉर पृथ्वी पर है। इसके बाद थॉर और कैप्टन मार्वल आपस में लड़ने लगते हैं तभी उनके बीच में फ्रेगा आ जाती है जिन्हें देख के कैप्टन मार्वल और एजेंट हेल ये सब हैरान हो जाते हैं। फिर थॉर उनसे कहता है आप यहाँ क्या कर रही है मुझ पर नजर रखने के लिए काला जादू इस्तेमाल कर रही है। जिस पर उसकी माँ कहती है कोई मिलने आई थी तुम्हारी फिक्र कर रही थी और कहती है उसने कहा तुम मिडगार्ड में हो। फिर थॉर उनसे कहता है उसे कोई गलतफहमी हुई है मैं तो अपने रूम में पढ़ाई कर रहा हूँ। पर उसके पीछे जानवर के दाड़ने से उसकी माँ को पता चल जाता है। फिर थॉर उनसे सॉरी बोलते हुए कहता है मैं और मेरा स्टडी ग्रुप यहाँ कल्चरल इवेंट के लिए आए थे। जिस पर उसकी माँ कहती है ये तो मुझे वहाँ आकर देखना होगा और जब मैं वहाँ आऊँ तो मैं तुम्हारा पूरा सिलेबस देखना चाहूंगी। इसके बाद उसकी माँ वहाँ से चली जाती है। ये देखकर एजेंट हेल अपना हमला रोक लेती है जिस पर कॉसवॉन्स परेशान होकर कहता है हम कभी भी न्यूक्लियर फायर नहीं करते। फिर हम थॉर को देखते हैं जो कि कैप्टन मार्वल से कहता है तुम मेरी मदद करो।
तो कैप्टन मार्वल उसे जाते हुए कहती है कौन उसे शुरू करो, जिस पर थोर कहता है पर ये तो गोल है। फिर हम प्रेगा को देखते हैं जो कि वहाँ से निकल जाती है। इसके बाद थोर पुल पे आके लुकी से कहता है हमें ये सब साफ करना होगा, मेरी मॉम यहाँ आ रही है। जिस पर लोकी कहता है पर वो मेरी माँ तो नहीं है, तुम भूल गए हम ब्रदर फॉर अनदर मदर है। फिर लोकी वहाँ से अपने प्रेजेंट्स के साथ चला जाता है। दूसरी ओर प्रेगा एमडाल के पास आ जाती है जहाँ से वो मिडगार्ड के लिए निकल जाती है। फिर थोर सभी से कहता है पार्टी खत्म हो गई है लेकिन तुम सभी को यहाँ रुके इसे वापस ठीक करना होगा, पर इसमें थोर का कोई भी साथ नहीं देता और वहाँ से जाने लगते हैं। इससे थोर बहुत ही टेंशन में आ जाता है। जिसके बाद थोर ऊपर उठ के बिजली लाते हुए सभी से कहता है मेरी मॉम आ रही है, वे बिल्कुल भी खुश नहीं है, वे गुस्से में है। इसके बाद थोर और वे सभी मिलके उन सभी चीजों को ठीक करने लग जाते हैं। जिसके बाद हम फ्रेगा को देखते हैं जो कि वहाँ आ जाती है तो देखती है कि थोर उन सभी को पढ़ा रहा होता है। ये देखकर फ्रेगा को भी बहुत अजीब लगता है। फिर थोर उन सभी से फ्रेगा को हेलो बुलवाता है और अपनी माँ से कहता है देखा मैंने कहा था ना मैं एजुकेशनल कल्चरल टूर पर हूँ। तो फ्रेगा उसे गौर से देखने लगती है जिस पर थोर कहता है क्या अभी भी आपको शक है, इन पढ़ते हुए लोगों को तो देखो। तभी वहाँ कैप्टन मार्वल भी आ जाती है जो कि थोर को टैप देते हुए कहती है मैंने इसमें मानव सभ्यता के बारे में जानकारी डाल दी है, साथ ही कुछ ब्रॉडकास्ट भी डाल दिए हैं। फिर कैप्टन मार्वल फ्रेगा को हेलो बोलती है तो फ्रेगा उससे कहते है मेरे बेटे को सिखाने के लिए शुक्रिया, और थोर को लेके जाने लगती है। तो थोर अपना हैमर बुलाता है जिस पर की बहुत सारे डिजाइन बने होते हैं। तो थोर उनसे कहता है मैं आपको सब कुछ समझा, थोर वहाँ से जाने लगता है और वॉचर कहता है एक दुनिया बच गई और प्यार खिलने लगा। इसके बाद इंसान और एस्गार्डियन मिलके खुश रहने लगे। तभी वॉचर वहाँ कुछ देखता है। फिर हम देखते हैं कि थोर के सामने बहुत सारे रोबोट्स आ रहे होते हैं और उनके बीच अल्ट्रॉन होता है। इसी के साथ ही वाटी सीरीज का सीजन 1 का एपिसोड 7 खत्म हो जाता है। आई होप सभी को एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों ने इससे पहले के एपिसोड्स नहीं देख रखे तो चैनल में जाके देख सकते हैं, और वाटी सीजन 2 के एपिसोड्स के एक्सप्लेनेशन चैनल में है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।